छाया गीत के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहा जाता है कि जिंदगी को ईश्वर का उपहार समझकर अगर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया जाए तो जीवन सरल और खूबसूरत हो जाता है, यानी बिना किसी शिकवे या शिकायत के जीवन के हर पल को खुलकर जीना चाहिए। और इसके लिए मन का अच्छा और सीरत का सुंदर होना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ तभी संभव है जब हम एक अच्छे इंसान हों। बाजे पग पंजनी उठता है कि अच्छा इंसान होने की परिभाषा क्या है। शायद कुछ ऐसे साधारण लेकिन जरूरी गुण हैं जो किसी भी इंसान को बेहतर बना सकते हैं या बनाते हैं। दरअसल जब हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं तो हम खुद ब खुद अच्छे इंसान की श्रेणी में आ जाते हैं। जी हाँ, छोटे छोटे गुणों को अपनाकर स्वयं को बेहतर बनाया जा सकता है। Oh,
जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो राहें अपने आप आसान होने लगती हैं, क्योंकि हमारा खुद पर विश्वास ही हमारी क्षमताओं का परिचायक है। लेकिन खुद पर भरोसा कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले उस अलौकिक शक्ति पर भरोसा बनाया जाए जिसने हम सबको बनाया है। मन में साहस हमें तरक्की के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा साहस ही हमें ये विश्वास दिलाता है कि अपनी क्षमता के बल पर हम सब कुछ पा सकते हैं। आपका साहस ही भीड़ में आपकी अलग पहचान बनाता है। ऐसी शक्ति है जो कठिन से कठिन हालात का भी हौसले से सामना करने की हिम्मत देती है। वो प्रेम का ही भाव होता है जो हमें एक दूसरे से बांधे रखता है। हम अपने परिवार और प्रियजनों से तो प्रेम करते हैं, पर खुद को दुलराना भूल जाते हैं। सोचिए ना, एक हरा भरा वृक्ष ही लोगों को छाया दे सकता है, लेकिन सूखा ठूंठ किसी काम का नहीं। तो बस जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। प्रेम की है क्या सुन परिभाषा, सुंदर सपने उज्जवल आशा। प्रेम की है क्या सुन परिभाषा, सुंदर सपने
बना ये मन मेरा जिसमें तेरा रूप सजा, चारों दिशाओं में तेरी अब छाने लगी मुस्काती छवि। दर्पण बना ये मन मेरा जिसमें तेरा रूप सजा, चारों दिशाओं में तेरी अब छाने लगी मुस्काती छवि। अरे प्रेम की है क्या सुन परिभाषा, सुंदर सपने उज्जवल आशा। खिले बदरा में यूं घूंघट में हो जैसे वधू, मधुर मिलन की आई ऋतु इतनी मधुर जैसे मधु, सूरज खिले बदरा में यूं घूंघट में हो जैसे वधू। आप सुन रहे हैं छाया गीत। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। इंसान की कल्पना जब उड़ान भरती है तो वो आसानी से एक से दूसरे लोक में पहुंच जाता है। इसका उदाहरण छोटे बच्चे हैं जो वास्तविकता से दूर अपनी कल्पना की दुनिया में जाने कितने कितने घंटे मगन रहते हैं। उसी तरह हम अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। तो कभी मन में कोई अनूठा विचार आए ना, तो उसे कोरी कल्पना मत रहने दें, बल्कि उसे साकार करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर दें जो हमेशा के लिए आपको सफलता का प्रतीक बना दे। और हाँ, कृतज्ञता के भाव को भी थामे रखने की जरूरत है। जो मिला है उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। अपनी क्षमताओं पर अभिमान की जगह कृतज्ञता का भाव रखें। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, हाँ चल ही न समाए तो क्या कीजे। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजे।
भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजे। देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, देंगे दुख कब तक भरम के ये चोर, अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर। कब रोके रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आ चल ही न समाए तो क्या कीजे। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजे। किसी के प्रति जल्दी से राय बना लेना भी ठीक नहीं होता, किन्हीं दो लोगों का जीवन तो एक समान नहीं होता ना। जो निर्णय किसी एक के लिए ठीक हो तो दूसरों के लिए भी उतना ही सटीक बैठे ये जरूरी नहीं। अपने विचार और आदर्श उन्हें दूसरों पर थोपने का कोई फायदा नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई, कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, हम
हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अपनी प्रिय वस्तु या इंसान किसी के भी खोने या छूट जाने का भय हम सबको होता है, पर प्रश्न उठता है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खो देने का डर क्या वास्तव में हमें उस समय को आनंद से जीने का मौका देता है जब वो हमारे साथ होते हैं। वैसे भी किसी रिश्ते, व्यक्ति या वस्तु से ज्यादा लगाव ठीक नहीं होता। जीवन तो एक अनवरत यात्रा है दोस्त। हर पड़ाव पर कुछ संबंध पीछे छूट जाते हैं और कुछ नए एहसास जुड़ जाते हैं। चलिए इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो बस मन से खो जाने का डर खत्म हो जाएगा। आज इतना ही। राजश्री को छाया गीत समाप्त करने की अनुमति दें। शुभ रात्रि, नमस्कार। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, किसने बांधा रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे मन रे तू का है ना धीर धरे।